नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां चेयरमैन शैलेश तेवतिया ने दिखाए खराब वाटर कूलर को सही करने के आदेश। साथ ही बात होगी कानपुर नगर की, जहां ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पुलिस आयुक्त ने दिया कर्मी से बचाव के लिए किट, और बताएंगे कैसे सहारनपुर में मिर्जा पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली ने आज अयोध्या स्थित दिव्या हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी रोबोटिक सर्जरी के लिए अपनी विशेष OPD सेवाएं शुरू कर दी हैं। इस OPD के खुलने से अब मरीजों को उनके शहर में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। अब उन्हें किसी दूसरे शहर में इलाज के लिए जाना नहीं पड़ेगा। OPD सेवाएं BLK मैक्स अस्पताल में ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार डबास और BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर हिमांशु शुक्ला की उपस्थिति में शुरू की गई। वह प्राथमिक परामर्श के लिए हर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिव्या अस्पताल में OPD के लिए उपलब्ध रहेंगे। BLK मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली द्वारा इन OPD सेवाओं के शुभारंभ के माध्यम से अयोध्या के लोग न केवल सर्वोत्तम श्रेणी की सेवाओं तक पहुंच पाएंगे, बल्कि बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ने से उन्हें बेहतर और स्वस्थ जीवन शैली के लिए भी बढ़ावा मिलेगा। सारी एजुकेशन मैं अयोध्या का ही हूँ, मेरी सारी एजुकेशन यही है, यही हुई है, और मेरा शुरुआत से सपना रहा है कि अगर मैं अपने देशवासियों के लिए कुछ कर पाऊँ, स्पेशली अयोध्या के लिए, क्योंकि जहाँ पे आप पले बड़े होते हैं ना, आपका प्रेम वहाँ के लिए अलग ही होता है। तो शुरुआत से ही मेरे मन में यह था कि मुझे यहाँ के लिए कुछ करना है। और जैसे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा वही है फैमिली हिस्ट्री भी देता हूँ कि मेरे घर में मेरे मामा और नाना के परिवार में ही करीब 6 लोग कैंसर से पीड़ित थे। तो सारी कैंसर सर्जन बनने की प्रेरणा तो मुझे वहीं से मिली, और जब ये कनेक्टिविटी बेटर हुई तभी से मेरा ये प्लान था कि अयोध्या में एटलीस्ट मेरी OPD का पर्पज़ ये नहीं कि मुझे यहाँ से मरीज मिले या BLK में यहाँ से मरीज मिले, मेरा बस ये था कि यहाँ पे कैंसर की मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो मरीज कंफ्यूज रहते हैं कि हम कहाँ जाएं, तो उनको एक सही दिशा निर्देश मिल पाए, हमारी इस OPD का मेन पर्पज़ ये। शुरुआती दिव्या हॉस्पिटल को इसमें क्या क्या फैसिलिटीज अभी मरीज को मिल पाएगी, किस स्टेज तक यहाँ पे इलाज? सो दिव्या हॉस्पिटल को चुनने का एक पर्पज ये था कि देखिए, मैं सर्जन हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो कैंसर के पेशेंट हो आप देखो तो सबसे पहले सर्जन के पास ही जाते हैं, तो सर्जन के पास जाए दिव्य हॉस्पिटल को चुनने का एक पर्पस ये था कि दिव्य हॉस्पिटल का जो ओनर है वो सर्जन है, उसे जो भी कैंसर का पेशेंट होगा सबसे पहले सर्जन के ही पास जाता है, तो सर्जरी वाले जो भी पेशेंट होते हैं जिनको कैंसर का उनको डाउट होता है तो उनको बैकअप मिल पाता है, एक सर्जन अगर होता है तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाता है। तो दिव्य हॉस्पिटल चुनने के पीछे एक कारण यही रहा कि एक तो ये सर्जन है और यहाँ के प्रतिष्ठित सर्जन है, कैंसर की भी थोड़ी बहुत उनको जानकारी है क्योंकि उन्होंने दिल्ली में भी काम किया हुआ है, तो इस तरह से उनसे परिचय बना और फिर हमने यहाँ OPD करने का शुरू किया। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां गुलावटी में भीषण गर्मी से आम जन का बुरा हाल है। ऐसे में आम जन को सबसे ज्यादा जरूरत पानी की होती है। नगर पालिका के द्वारा पूर्व में नगर के विभिन्न स्थानों पर वाटर कूलर लगवाए गए थे जो कि अधिकतर खराब पड़े हैं। कई वाटर कूलरों का तो सामान भी चोरी हो चुका है। वाटर कूलर बंद होने के कारण राहगीरों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इसका संज्ञान लेने के बाद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शैलेश तेवतिया ने नगर में खराब पड़े वाटर कूलरों को ठीक करवाने का काम शुरू कर दिया है। चेयरमैन शैलेश तेवतिया ने बताया कि कुछ वाटर कूलर तो ठीक हैं, उनमें शीतल जल की आपूर्ति हो रही है, और बाकी जो वाटर कूलर रिपेयर होकर ठीक हो सकते हैं उनको ठीक कराया जा रहा है। जल्द ही नगर के लोगों एवं राहगीरों को इस समस्या से निजात मिलेगी। आपको बता दें कि पूर्व चेयरमैन के कार्यकाल में नगर के विभिन्न स्थानों पर लाखों की कीमत से राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए वाटर कूलर लगवाए गए थे, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की उपेक्षा के चलते अधिकतर वाटर कूलर कुछ समय बाद ही बंद हो गए। कई वाटर कूलरों के सामान को चोर चोरी करके ले गए, इसके बाद उक्त वाटर कूलर मात्र शोपीस बनकर रह गए। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से है, जहां प्रचंड गर्मी के मद्देनजर रखते हुए चौराहों पर धूप में खड़े होकर ट्रैफिक का संचालन और क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए ड्यूटी के दौरान गर्मी से बचाव और अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने किट, छाता, ग्लूकॉन्डी, ORS व थर्मस व अन्य जरूरी सामान प्रदान किया है। मामले के संबंध में पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने मीडिया बंधुओं को जानकारी दी है।
आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस आयुक्त अखिल कुमार का क्या कुछ कहना है। बहुत ज्यादा फॉल्ट रही, ऐसे में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए क्या कर रहे हैं? जैसा आप अवगत हैं कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है इस वक्त, और इस वक्त जो हमारा जवान है खास करके जो धूप में खड़ा होकर इस कठिन ड्यूटी में अपने दायित्व को निर्वाह कर रहा है, उसके लिए हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और DCP ट्रैफिक ने एक अच्छी पहल की है जिसमें हमारे जितने भी ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं उनको एक स्पेशल किट दिया गया है जिसमें एक छाता, ग्लूकॉन डी, ORS, एक थर्मस, और लगातार इनसे अनुरोध किया गया है कि ड्यूटी करते वक्त अपने को हाइड्रेटेड रखें, जो नेसेसरी मिनरल्स हैं वो लेते रहें ताकि ड्यूटी भी हो और अपने को इस गर्मी से बचाया जा सके। तो पुलिस कर्मियों के लिए ट्रैफिक और सिविल पुलिस दोनों के लिए चैलेंज है। आज उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को बैठक करके निर्देश दिए हैं कि खास करके जो स्टाफ ग्राउंड पर खड़ा है, धूप में ड्यूटी कर रहा है, उसको विशेष ध्यान दें ताकि किसी की सेहत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। कानपुर नगर से सीनियर संवाददाता भरत की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है जहां दबंग बदमाशों ने लाठी डंडे से की युवक की पिटाई। में दबंग बदमाशों ने युवक को खुलेआम पीट पीट कर किया अधमरा। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दबंगों ने मारपीट की घटना को अंजाम देकर मौके से हुए फरार। सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के लोक सेवा आयोग का पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से जहां थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर के SSP द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में थाना मिर्जापुर के थाना प्रभारी के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त रहमान पुत्र रिजवान निवासी ग्राम समसपुर नौगावा को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।